अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विश बाय ऐश। यहाँ पे देख रहे हैं लकड़ियों का चूल्हा बनाया हुआ, गैस बंद होगी अम्मी के घर। तो आज हम ना यहाँ पे चिकन पुलाव बना रहे हैं, सॉरी पुलाव बिरयानी बना रहे हैं। हाँ, ये देखें, यह हम गांव वाली लड़कियाँ बनी हुई हैं। और ये हमारा यहाँ पे ना ऑयल जो है ना वो हो गया गरम। अनियन मैंने यहाँ पे डाल दिए हमें। यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। और यहाँ पे ये देखें, ये सारे लहसुन प्याज अदरक टमाटर ये वो मसाले वगैरह सारे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ना अम्मी कह रही हैं कि तुम बनाओ, और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है, क्योंकि मैंने कभी भी लकड़ियों को खुद चलाकर नहीं बनाया, कुछ भी चलाकर अभी भी अम्मी ने दी है मुझे। और बच्चों का हाल देखें, बुरा हाल बना हुआ है। और कौन आ रहा है? मानो कौन है? तो चले, मैं ना आज का व्लॉग जो है ना वो शॉर्टकट में आपको दिखाऊंगी। ठंड भी बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा ठंड है जिसका हिसाब कोई नहीं है, लेकिन मैं ये ना सारा कुछ आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। ये देखें, यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक डाल लिया हुआ है, इसका मैं बनाऊँगी पेस्ट नमक डालकर। यहाँ पर आयोडीन नमक है, यहाँ पर जस्ट मैंने 2 टीस्पून जो है ना वो चम्मच डालूंगी और नमक के, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कूटना शुरू कर दूंगी। मेरे घर जो है ना वो लकड़ी वाला है और चॉपर है, उसके साथ करती होती हूँ मैं। ये देखें, ये हमारा ना पेस्ट बन गया हुआ है। और इधर प्याज हमारे डार्क हो गए थे, और इसमें मैंने डाल दिया चिकन। आधा चिकन मैंने रख लिया हुआ है, आधा चिकन मैंने यहाँ पर ना डाल दिया। बहुत मुश्किल है लकड़ियों पे कुकिंग करना, और जो औरतें करती हैं, मेरा उनको 10 हाथों से सलाम, जबकि मेरे 2 हाथ ही हैं। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें जो मैंने साबुत काट के डाल दी हैं, अब इसमें मैं टमाटर काट के डालूँगी। यहाँ पे मैंने जी मसाले वगैरह डाल दिए हैं, बिरयानी मसाले का 1 पैकेट मैंने डाल दिया है, और खड़े मसाले डाल दिए मैंने, बीच में ज़ीरा वगैरह डाल दिया हुआ है मैंने, ठीक है। और चिकन को मैंने ना डालकर भून लिया हुआ है। ये देखे जी, अच्छा बहुत प्यारा लुक आ रहा है इसका। ये लकड़ियों पे आज खाना बन रहा है, ये देखे माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का टेस्ट आया है इसका। मैंने अभी नमक वगैरह चेक किया है, बहुत ही अच्छा बना। अब इसके अंदर है ना पानी डालकर मैं इसको बॉयल आने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे 1 किलो चावल बना रही हूँ, और 1 किलो से भी ज़्यादा तकरीबन चिकन है इसमें, ठीक है। ये मैंने पानी डाल दिया है उसी मकदार का। बेटे क्या कर रही हो आप? यहाँ पे ये देखें, मैंने ना पानी डाल दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखें, अम्मी जो है ना वो कोलों को ना दम जो चावल मैंने लगा दिए, मैं कोयले का दम लगाया हुआ है अब कह ले, ठीक है। यहाँ पे सलाद की कुछ तैयारी हो रही है, ठीक है। यहाँ मैंने अनियन गाजर मूली और टमाटर काट लिए हमें, ठीक है। हाँ टमाटो जी, मुझे सही टमाटो नहीं कहना आ रहा था। यहाँ पे अम्मी ने ना स्प्रिंकल कर दिया है कुछ अनियन एंड मिंट, ये देखें, ये देखें हमारे घर का हाल, ये बुरे गंदे हाल। यहाँ पे ना मैंने चावलों को दम लगा दिया हुआ है, और मैं इनको चेक करूँगी। ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है, ये देखें धूप धुआं बहुत ज़्यादा था, और काफ़ी ज़्यादा गंद पास पड़ा हुआ है, उसको मैंने सोचा साफ़ कर लूँ पहले। तो यहाँ पे ना चावल हमारे ऑलमोस्ट डन हो गए। यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद ना इसके ऊपर मैं ना पौने से इसको ढाँप दूँगी, और अच्छे तरीके से ना मैंने इसको नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे से तक अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया हुआ है। और यहाँ पे अम्मी ने बना अपनी हंडिया बनाने शुरू कर दी है। अभी यहाँ पे अम्मी चिकन का सालन बना रही हैं,
तो यहाँ पे मैं हरी चटनी बना ली है, हरी चटनी बनाने के लिए भी बखाओ बनाने के लिए ना यहाँ पे मैंने धनिया पुदीना और हरी मिर्च एक डाली थी। मैं नूर यहाँ पर बैठी हुई है, बच्चों को पढ़ा रही है, मरियम पास बैठी हुई है, अम्मी अम्मी ना सो यहाँ पे सालन बना रही है, यहाँ पे चिकन बना रही है, कोयले वाला कोयले का लास्ट पीस को अम्मी दम लगाएंगी, लेकिन मैंने यहाँ पे ना वो वीडियो नहीं बनाई यार। यहाँ पे ना अम्मी बना रही है, यहाँ पे ना अम्मी इसको जो है ना अच्छे तरीके से बना रही है, और लकड़ियाँ अच्छे तरीके से जल के जो है ना लकड़ियाँ अम्मी उनका भी मेरे से ना तो किया नहीं जा रहा, तो आप अब खाना बनाएंगे खुली रख यहाँ पे ना अम्मी ने यहाँ पे डाला है प्याज और फिर साथ में डाला है चिकन और बाकी चीजें बना ली। यहाँ पे मैंने दही बना लिया और दही बनाने के साथ मैंने इसके अंदर जो भी सलाद काटा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिए, तो अच्छा से सलाद बन गया है। लाइट गैस बंद होने की वजह से आज हमने सारा खाना जो है ना वो लकड़ियों पे बनाया है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है। आप लोग भी चिप अगर कभी अपने खाने में टेस्ट इन्हेंस करना चाहते हैं तो कभी लकड़ियों को ज़रूर इंजॉय करें। हाँ ये मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आज का व्लॉग जो है वो मेरा इसी तरह इन्हीं चीज़ों पे आज मैं अपना व्लॉग जो है वो पूरा करूँगी। यहाँ पे अम्मी ने ना चिकन को उतार लिया था, यहाँ पे हमने डाला था दही, तो चूल्हा अगर हो तो बंदा हल्का कर लेता है लेकिन यहाँ पे लकड़ियों वाली साइड पे तो बंदा कुछ भी नहीं इसको कर सकता था, इसलिए यहाँ पे अम्मी ने ना चिकन में डाल दिया दही। ये देखें यहाँ पे दही डालने के बाद अम्मी ने इसको अच्छे तरीके से भून कर फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर यहाँ पे अम्मी ने दूसरा ग्रेवी वाला जो चिकन है ना वो बना लिया और बाद में कोयले का दम दे दिया था। यहाँ पे मेरा जो दही है ना वो हो गया कम्प्लीट ऑलमोस्ट। बहुत कॉशियस थे प्यार आपका। वेजिटेबल्स यहाँ पे मैंने डाल दिए सारे, तो यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स डाल के ना आ जा तो इसको मिक्स कर लूँगी। आज ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी सोचा आज का भी लोग जो है ना मिस ना करूँ। अच्छा था के लकड़ियों पर खाना वगैरह मैंने कभी नहीं बनाया था, लेकिन ससुराल में भी कभी अगर इस तरह हो जाता था तो अम्मी या कदस वगैरह मुझे लकड़ियाँ चढ़ा देती थी और मैं बना लेती थी। तो इसी के साथ ना आज का जो व्लॉग है ना मेरी जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें और कंप्लीट एंड तक देखा करें। बहुत सारी टिप्स जो होती हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है जस्ट, और बस आप लोगों का साथ चाहिए। इस सबके साथ मिलते हैं किसी अच्छी के साथ अगले दिन के किसी अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत मज़े का है।